सामने तो धनंजय सिंह है, लगातार पार्टी उन पर निशाने साध रही है, लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई किसी से नहीं। मल्हनी के समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी लक्की यादव जी नामांकन करके निकल रहे हैं। लक्की जी, सबसे पहले सबको आपको बहुत बहुत बधाई है और राजतन टीवी पे आपका स्वागत है। कितने संतुष्ट है जीत को लेकर आप? जब अभी तो आप देखे, साल भर पहले मल्हनी विधानसभा में चुनाव हुआ था और मल्हनी विधानसभा वहाँ किस हिसाब से समाजवादी सरकार, समाजवादी वहाँ से चुनाव जीती थी वहाँ, और इस बार तो परिवर्तन का, सत्ता बनाने का चुनाव हो रहा है। एकदम आश्वस्त है मल्हनी विधानसभा समाजवादी जीतेगी। लड़ाई किससे मानते हैं? लड़ाई किसी से नहीं। सामने तो आपके धनंजय सिंह है, भाजपा से भी हैं? ऐसा कुछ नहीं, वो लोग आपस में तय कर लें सेकंड दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। तो मुद्दे क्या है? आप लगातार, आपके पिताजी विधायक थे, उसके बाद आप हैं जी, तो मुद्दे भी होंगे, जा रहे होंगे जनता के बीच में जी, तो किस तरीके की समस्याएं आ रही है उसके निस्तारण के लिए कैसे गठबंधन है आप? समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो मैनोफेस्टो जारी किया है, सबसे बड़ा तो विकास कार्य का वही है, नौजवानों को रोजगार के लिए और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, बिजली मुफ्त, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही है, और कुछ सड़कें हैं जो 5 साल में इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल नहीं बनवाई। हमने मांग भी किया, जब मैं 1 साल जब मैं विधायक हुआ तो मैंने PWD मिनिस्टर से मैंने मांग भी किया, लेकिन मुझे लिखित मिला उस समय कि ये सड़कें दुरुस्त हैं, इस पर बजट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामने तो धनंजय सिंह है, लगातार पार्टी उन पर निशाने साध रही है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? अब जिसकी ज़मीन खिसक जाती है तो इसी तरह बोलता, मैं तो उस पर कुछ टिप्पणी करने के लिए नहीं वो कर रहा हूँ, लेकिन उनकी ज़मीन खिसक चुकी है, इस बार पता चलेगा। लड़ाई मानते हैं? नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्की यादव जी हैं, जीत को लेकर संतुष्ट हैं, समाजवादी पार्टी के मल्हनी के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। अब जीत की किस पे साथ चलता है ये तो देने आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजतन टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।